न्यूजीलैंड की टीम मैच से कब ही मैदान छोड़कर फरार, नामालूम सिक्योरिटी खदशात को बहाना बनाकर न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम ने दौरा पाकिस्तान खत्म कर दिया। देखिए, न्यूजीलैंड क्रिकेट बोर्ड की जानिब से जो ऑफिशियल ईमेल आई है उसमें उन्होंने कहा कि हम जो टूर है वो उसको सिक्योरिटी अलर्ट की वजह से मुलतवी कर रहे हैं और उसको मौखर कर रहे हैं। रमीज राजा का कहना है कि न्यूजीलैंड से आईसीसी में सामना होगा, यानी कि पाकिस्तान कोई स्ट्रॉन्ग मौकफ इख्तियार करने जा रहा है। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अस्सलामु अलैकुम। दोस्तों, आज की वीडियो कुछ अलग मौजू पर होने जा रही है। गुज़िश्ता रोज़ पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान पहला ओडीआई मैच मुतवक्के था, मगर सिर्फ चंद घंटे पहले मैच मुलतवी कर दिया गया। पहले मैच मुलतवी किया, फिर सीरीज कैंसिल की गई और फिर आखिरकार दौरा ही मनसूख कर दिया गया। दोस्तों, इसकी वजह तो सिक्योरिटी इशू बनाई गई, मगर आपको मालूम है कि पाकिस्तान का सिक्योरिटी सिस्टम दुनिया का बेहतरीन सिस्टम है, यहाँ तक कि अमेरिकी फौज को सिक्योरिटी पाकिस्तान ने फ्राहम की थी। सो न्यूजीलैंड की ये स्टेटमेंट बिल्कुल झूठ पर मबनी है। मैं एज ए फैन ऑफ क्रिकेट ये वीडियो बना रहा हूँ और आपको हकीकत पर मबनी मालूमात फ्राहम करने जा रहा हूँ कि असल हकायक क्या हैं, न्यूजीलैंड ने दौरे पाकिस्तान क्यों मनसूख किया, इसके पीछे असल वजह क्या है और इसके पाकिस्तान पर क्या असरात मुरतब होंगे। वीडियो को आखिर तक लाजमी देखें और इसके साथ साथ हमारा चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलें। दोस्तों, क्रिकेट पाकिस्तान का कौमी खेल तो नहीं, अलबत्ता कौमी खेल जैसी शोहरत जरूर रखता है। हर गली मोहल्ले में लोग क्रिकेट को पसंद करते हैं और ये खेल हर खासो आम इलाके में मकबूल है। इंटरनेशनल क्रिकेट की बात करें तो पाकिस्तान के नाम बेशुमार रिकॉर्ड्स हैं और पाकिस्तान क्रिकेट टीम अपनी अलग ही पहचान रखती है। पाकिस्तान क्रिकेट टीम ऐसी टीम है जिसने आईसीसी के तमाम टूर्नामेंट्स जीत रखे हैं, फिर चाहे वो ओडीआई वर्ल्ड कप हो या T20 या फिर चैंपियंस ट्रॉफी हो। इसके अलावा एशिया कप भी अपने नाम कर रखे हैं। पाकिस्तान को वर्ल्ड कप की मेजबानी का एजाज भी हासिल है। बड़ी बड़ी टीमें पाकिस्तान का दौरा कर चुकी हैं, मगर 2009 में श्रीलंकन टीम पर हमले के बायस पाकिस्तान में इंटरनेशनल क्रिकेट के दरवाजे बंद हो गए थे। फिर इसके बावजूद ये टीम दुनिया की बेहतरीन टीम बनी। अब पीसीबी की कोशिशों और पाकिस्तानी सिक्योरिटी अदारों के तावन से पाकिस्तान में इंटरनेशनल क्रिकेट वापस आई और मुख्तलिफ टीमों ने पाकिस्तान का दौरा किया, जिनमें वेस्टइंडीज, श्रीलंका, जिम्बाब्वे, साउथ अफ्रीका और PSL के मैचेस शामिल हैं। हालिया दिनों में न्यूजीलैंड की क्रिकेट टीम पाकिस्तान आई और पाकिस्तान के साथ 3 एक रोजा मैचेस जबकि 5 T20 मैचेस शेड्यूल थे, मगर हमने देखा कि मैच शुरू होने से पहले ही खत्म हो गया, जिस पर न्यूजीलैंड क्रिकेट बोर्ड ने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को आगाह किया कि उनको सिक्योरिटी पर तहफ्फुज़ात हैं जिसकी वजह से मैचेस मुमकिन नहीं। पीसीबी ने तवील गुफ्तगू की और उनको एतमाद में लेने की कोशिश की, मगर पीसीबी की तमाम कोशिश नाकाम रही। यहां तक कि वज़ीर आज़म इमरान खान ने न्यूजीलैंड की वज़ीर आज़म से भी बात की और उनको बताया कि पाकिस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसी ISI दुनिया की नंबर 1 इंटेलिजेंस एजेंसी है और हमारी फौज दुनिया के बेहतरीन फौजों में से एक है। हमने बड़ी कुर्बानियाँ देकर सिक्योरिटी को बेहतर बनाया और दहशतगर्दी पर काबू पाया, मगर आप हमारी तमाम मेहनत पर पानी फेर रहे हैं। न्यूजीलैंड के वज़ीर आज़म ने इमरान खान की बात भी नहीं मानी। उन्होंने कहा कि खिलाड़ियों की हिफाजत अवलीन तरजीह है, हम आपके तावन का शुक्रिया अदा करते हैं। दोस्तों, ये तो थी वो कहानी जो कि आप लोग सुन चुके हैं, मगर मैं आपको अंदर की बात बताता हूँ कि ऐसा कोई सिक्योरिटी इशू नहीं था कि टीम खेल ही ना सके। जो कोई अफगानिस्तान या इराक नहीं है कि आप पर गोलों की बरसात हो रही है, बल्कि मैं आपको बताता चलूँ कि इस्लामाबाद साउथ एशिया का दूसरा पुरअमन शहर है, जहाँ पर क्राइम परसेंटेज सिर्फ 29% है। सो ऐसे हालात में आप सिक्योरिटी इशू नहीं कह सकते। इसकी वजह इंटरनेशनल प्रोपोगंडा है, जिसमें ये प्लान था कि न्यूजीलैंड पहले पाकिस्तान जाए, वहाँ 5 दिन रहे और ट्रॉफी की नुमाइश भी हो, फिर जब लोग मैच का इंतजार कर रहे हों तब जाकर दौरा ही कैंसिल कर दिया जाए, ताकि पाकिस्तानी क्रिकेटर्स, शायकीन और मैच ऑफिशियल को झटका लगे और इंटरनेशनल लेवल पर पाकिस्तान का इमेज खराब हो, आइंदा कोई भी बड़ी टीम पाकिस्तान का दौरा ना कर सके। आप लोग खबरों में सुन ही रहे होंगे कि इंग्लैंड का दौरे पाकिस्तान भी खतरात का शिकार हो गया है। इंग्लिश क्रिकेट बोर्ड ने भी कहा है कि वो 2 दिनों के अंदर अंदर फैसला करेंगे कि टीम पाकिस्तान का दौरा करेगी या नहीं। दोस्तों, इस सबसे किसका फ़ायदा है ये तो आप सब लोग जानते हैं। अमन के दुश्मन लोग अब खेल के दुश्मन भी बन चुके हैं। खेल को भी सियासत में लाकर पाकिस्तान को बदनाम करने की साजिश की जा रही है। पाकिस्तान के सबका क्रिकेटर्स और अवाम भी शदीद गुस्से में हैं कि अगर न्यूजीलैंड को सिक्योरिटी प्रॉब्लम्स थी तो टीम पाकिस्तान ही ना आती, मगर जब आ गई है तो हमारे सिक्योरिटी सिस्टम पर भरोसा करती।
क्राइम का क्या है, वो तो किसी भी मुल्क में किसी भी जगह हो सकता है। क्या न्यूजीलैंड खुद अपने मुल्क का वाकया भूल गया कि जब क्राइस्टचर्च में एक ईसाई ने दर्जनों मुसलमानों को गोलियां मारकर मस्जिद में शहीद कर दिया था। पूरी दुनिया इस बात की गवाह है, आप खुद अंदाजा लगाएं कि कौन दहशतगर्द है। दोस्तों, दहशतगर्दी और इंतहा पसंदी का कोई मजहब नहीं होता, ऐसे लोग अमन के दुश्मन होते हैं। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन रमीज राजा ने भी शदीद तहफ़ुज़ात का इजहार किया और मामला आईसीसी में लेकर जाने का ऐलान किया। शुएब अख्तर का कहना है कि ये न्यूजीलैंड की जानब से पाकिस्तान क्रिकेट का कत्लेआम है। शाहिद अफरीदी, वसीम अकरम, उमर गुल, बाबर आजम, हसन अली और शदाब खान के साथ साथ इंटरनेशनल खिलाड़ियों के पैगाम भी मौसूल हुए, जिनमें रदरफोर्ड, डेरन सैमी और एंजेलो मैथ्यूज ने भी शदीद एतराज़ किया और कहा कि पाकिस्तान दुनिया का महफूज तरीन मुल्क है। जब हम भी पाकिस्तान गए, हमें बेहतरीन सिक्योरिटी मुयसर की गई। दोस्तों, जब आलमी वबा फैली तब कोई टीम एक दूसरे के मुल्क का दौरा नहीं करती थी, मगर पाकिस्तान ने इंग्लैंड और न्यूजीलैंड का उस मुश्किल वक्त में साथ दिया और उन ममालक का दौरा किया। यहां तक कि क्राइस्टचर्च में दहशतगर्दाना हमले के बाद भी पाकिस्तान ने न्यूजीलैंड का दौरा किया और वहां के लोगों के साथ इजहार यकजहती किया, मगर जब पाकिस्तान की बारी आती है तो ये ममालक दम उठाकर भाग जाते हैं। क्रिकेट फैंस का तो ये कहना है कि न्यूजीलैंड क्रिकेट के साथ बायकॉट किया जाए। अगर उनको थ्रेड है तो पाकिस्तान को आगाह करें कि हमें फलां कॉल मौसूल हुई या ईमेल मौसूल हुई, ये सब मिली भगत है। और इस दौरे की मनसूखी के मुतालिक भारतीय सहाफियों ने एक महीना पहले ही बता दिया था। दोस्तों, मारूफ इंडियन सहाफी अभिनंदन ने दौरा मनसूखी का ऐलान 21 अगस्त को ही कर दिया था। ये बहुत बड़ा ड्रामा जो क्रिएट किया गया और पाकिस्तान को बदनाम करने की साजिश की गई। चलो कोई बात नहीं, अल्लाह करीम ने अगर जिल्लत दी है तो इज्जत देने वाला भी वही है। हम लोग दुआ करते हैं कि अल्लाह करीम पाकिस्तान को वो इज्जत दे जो हमसायों से भी बर्दाश्त ना हो। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी। अगर आप लोग मज़ीद ऐसी इन्फॉर्मेशन जानना चाहते हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर भी क्लिक कीजिए। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।